आप सभी से नमस्कार। भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जितने भी दफ्तर हैं, चाहे वो फरीदाबाद में हो या देश में हो, जितने भी दफ्तर हैं वहाँ से संबंधित जो भी LIC एजेंट हैं वो आज धरने पर बैठ गए हैं। अभी मैंने आपको नीलम बाटा रोड पर दिखाया था, अभी सेक्टर 12 में भी LIC का दफ्तर है, तो यहाँ पर भी देखिए सभी टेंट तान कर बैठ गए हैं नीचे धरने पर। तो यहाँ बात करेंगे इनसे और इनसे पूछेंगे इनकी क्या मांगे हैं और इनकी क्या चिंताएं हैं जिस वजह से इन्होंने धरना शुरू कर दिया है, और इनकी क्या क्या मांगे हैं LIC कंपनी से, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, भाई कौन बताना चाहेगा अपनी मांगों के बारे में। आइए साहब से बातचीत करते हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार राघव। आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है, मांगे क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो पार्टी का जो कस्टमर्स का है बोनस जो है पॉलिसी होल्डर का वो बढ़ाना चाहिए, जो अभी तक नहीं बढ़ा है। GST हटानी चाहिए, GST नहीं लगनी चाहिए। दूसरा लोन का, और जो हम रिवाइवल करते हैं, विलम्ब शुल्क जमा करते हैं, उस पर भी GST लगी हुई है, और पुराने समय से उसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वही चलता आ रहा है। हमारी डिमांड है कि वो लोन इंटरेस्ट कम किया जाए और कस्टमर का बोनस वो बढ़ाया जाए। मतलब जो लेट पेमेंट करते हैं उस पर GST लगा देते हैं, इसे कंपनी का तो फायदा हो रहा है लेकिन कस्टमर का फायदा नहीं हो रहा। और जब हम अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लेते हैं तो जो पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जब सब जगह कम हो गया है तो यहाँ वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक चल रहा है। और ग्रुप जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो सभी एजेंटों को मिलनी चाहिए। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि LIC के हम स्तंभ हैं, पिलर हैं, लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है। हम खाली कमीशन बेस पे काम करते हैं। हमारा जो है टर्म इंश्योरेंस भी बढ़ाना है, जिसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। ग्रेजुएटी बढ़ानी है, ठीक है जी, और डायरेक्ट मार्केटिंग जो चल रहा है, जो LIC डायरेक्ट मार्केटिंग कर रही है वो बंद होना चाहिए। ऑनलाइन पॉलिसी बेचना बंद करो, एजेंट का इसमें नुकसान है, ठीक है जी, और कस्टमर्स का भी नुकसान है, कस्टमर्स का भी नुकसान है, उन्हें सर्विस नहीं मिलेगी, तो इस हिसाब से जो है परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। पहले जब LIC होती थी, LIC लोग कराते थे, बीमा कराते थे, पहले क्या फायदा मिलता था कस्टमर का और अभी क्या फायदा मिल रहा है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? कम जमा करो तो बंद हो जाता है। जो पहले फायदा मिलता था उस हिसाब से बोनस का जो रेट है वो कम कर दिया गया है, और आगे आने वाले समय में स्थिति वही बनी हुई है। और जो एजेंट कमीशन बेस पे काम करते हैं उनका जो है कमीशन कम करना है इन्होंने, नई पॉलिसियों पे कमीशन जो है कम होता जा रहा है। यानी आपका भी नुकसान है, कस्टमर का भी नुकसान है, फिर धीरे धीरे आप भी दौड़ भाग कम कर देंगे और कस्टमर भी बीमा कम कराएंगे, क्योंकि आप लोग कन्विंस नहीं कर पाएंगे इसमें इतना फायदा। हाँ जी, हाँ जी, तो एक तरह से धीरे धीरे कंपनी भी डूब सकती है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा ये है कि अंशदान जो है हमारा जो है उसमें अंशदायी भविष्य निधि योजना जो है लागू की जाए एजेंट के लिए। जब एम्प्लॉय को पेंशन दे रहे हो, फंड दे रहे हो, उनका ग्रुप मेडिक्लेम कर रखा है, तो एजेंट का क्यों नहीं है? सभी एजेंटों को कमीशन वो जो है ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रुप मेडिक्लेम ये दिया जाए। चलो आप क्या करें, आप क्या क्या नाम है आपका? मेरा रूपचंद पाल है, ब्रांच 11 न्यूज होम में सेक्टर 12 से, और जो मांगे हमारी रखी गई लियाफे के माध्यम से वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल जायज हैं, और उसमें एजेंटों का भी भला कराना, यूनियन का हमारा लियाफे का फर्ज है, और कस्टमर को भी बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिले, वो सारी चीजें हमें मांग की, अपनी डिमांड पूरी करवानी है। पूरे देश में कितने LIC एजेंट होंगे? LIC एजेंट 13 लाख समथिंग है, 13 लाख बहुत ज्यादा है, 13 लाख काफी है, और एजेंटों की संख्या बढ़ी हुई है, बट इन्होंने एजेंटों की और जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर है, उनको देने के लिए, उनको फायदा देने के लिए कुछ काम अच्छा नहीं किया अभी तक। और 2014 के बाद जो GST लागू करी गई है हमारे क्लाइंट के ऊपर वो भी एक गलत है। जब GST लागू करी गई है तो उसके साथ साथ हमारा बोनस रेट भी बढ़ाना चाहिए था, जिसकी बढ़ाया वो बोनस नहीं बढ़ाया, हम और कम कर दिया गया, जिससे कि हमारे क्लाइंट और हम एजेंट साथी भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं है।
अब मेरे तो देख रहे हैं सेक्टर 12 में LIC दफ्तर के बाहर ये लोग धरने पर बैठे, तो आज दिन भर का धरना है अमेरिका। आज दिन भर का पूरे थे, पूरी टाइम बाद क्या करेंगे आप लोग अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? नहीं मैं जैसे हमारी लियाबी से सेंट्रल ऑफिस से हमारी कोई भी अगर कोई सूचना आएगी उसके अनुसार ही हम आगे कदम रखेंगे। ये धंधों को पीछे नहीं लेंगे, अगर उनका आदेश आएगा बंद करने के लिए बंद करेंगे, चालू रखना है तो चालू रखेंगे। पहले LIC एजेंट बनाना एक अच्छा रोजगार भी माना जाता था और बहुत सारे लोग प्राइवेट कंपनियों से नौकरी छोड़कर LIC एजेंट बनते थे, बहुत सारे लोग अच्छी कमाई भी करते हैं इसमें, जब कमीशन मिलता है तो अच्छी कमाई भी होती है, लेकिन अभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है LIC एजेंट बनने। इंटरेस्ट ना होने का कारण ये है कि उसको जो बढ़ोतरी समय समय पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी किसी प्रकार की, जैसे कि हमारे साथी राघव जी ने बताया महंगाई दर के हिसाब से वो बढ़ोतरी उनकी करनी चाहिए, कमीशन के साथ साथ इनको कोई ना कोई सैलरी बेस जरूर मान करके देना चाहिए, उस मापदंड को इनको जो लागू करके, ताकि सभी अभिकर्ता उससे एक सेटिस्फाइड तो हो जाए। कमीशन रोल पे इतनी बड़ी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और जब सैलरी बेस हो जाएंगे तो सैलरी बेस पे हमारा PF का पेंशन योजना का योगदान भी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो बहुत सारी मांगे हैं इनकी, और मांगे आपने कहीं दी है सरकार के पास, प्रशासन के पास, कंपनी के पास, मंत्री के पास, शाखा प्रबंधक को एक नोटिस जारी करते हुए हमें जो आदेश मिला था वो हमने उनको एक पत्र दे दिया, 1 तारीख को हमने उनको पत्र जो है संलग्न करके दे दिया था। चलो ठीक है, मांगे इन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी है, अब देखते हैं इनकी मांगों को कब तक मंजूर किया जाता है। अगर मांगे मान ली गई तो बहुत अच्छा होगा, मांगे नहीं मानी गई ये लोग निराश होंगे और आगे ये लोग उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह से, जिस पेस से, जिस एनर्जी से अभी काम करते हैं। और जब ये अपनी फुल एनर्जी से काम करते हैं तो इससे ना सिर्फ कंपनी का फ़ायदा होता है, देश को भी फ़ायदा होता है, लेकिन अगर इनकी एनर्जी कम हो गई तो देश को भी नुकसान है, कंपनी को भी नुकसान है, कस्टमर्स का भी नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान है। अब देखते हैं LIC कंपनी नुकसान चाहती है या फ़ायदा चाहती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।